नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत टीवी में। गमगीन माहौल है और गमगीन माहौल हो भी क्यों ना, क्योंकि गांव नेहदा की तस्वीर आपके सामने रही है और गांव नेहदा के अंदर आपने देखा कि एक शख्स को गोली मार दी जाती है, उसके परिवार के परिवारजन हमारे साथ हैं। कैसे क्या हुआ था और इस वक्त हम लोग नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में हैं, आखिरकार पूरा मामला क्या है, विस्तार से जानने के लिए सीधे चलते हैं परिवारजनों के पास। जी, क्या नाम है आपका? शहजाद जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नेहदा गाँव में। अच्छा, जिनकी गोली मारकर हत्या हुई वो कौन है आपके? आजाद है जी। आपके कौन लगते हैं? भाई है मेरा। अच्छा, किसने मारा है उनको? वो रसीद ने मारा सर। अच्छा, क्यों मारा था? ये रास्ता खेत पे लड़ाई हुई सर। जी जी। वो अच्छा। रास्ता मांग रहा हूँ, रास्ता भी दे रहा सर। जी जी। फिर वो रास्ता फिर वन चैलेंज दे आया हुआ ही तमन आ जाओ तमन गांव में गोली मारूँ। कितने बजे हादसा हुआ है? ये 1:30 बजे का हादसा। कल का दोपहर में। जी। लड़ाई की शुरुआत किस वजह पे हुई, कौन से बना थी जिस वक्त लड़ाई शुरू हुई? लड़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कल हम आजाद। अच्छा, उस बड़ा भाई को छोड़ो वो मारो वन जब जंगल में गयो ना। अच्छा, नो सुया हमारा कोई इरादा ही नहीं, मारा पीटी करेंगे। जी। जैसे नो सुया वन बिंदु को लेकर धर रखी। अच्छा, नाल सूदी करो मैं तू जाडो से मजाक कर रहा हूं। जी। जो सच्ची मां चवान गोली छोड़ दी। कहां लगी गोली आपके भाई? आजाद के लंग में लगी सर। मौके पर ही मौत हो गई? हाँ, मौके पे हो या पुनाणा में दम दे दिया। अच्छा, मैंने सुना है उनके पक्ष को भी गोली लगी है। नहीं नहीं, वो आप नहीं दिए सर। अच्छा, अपने बचाव कुमार। कितने बच्चे हैं आजाद के? कौन? आजाद के 5 लड़की 1 लड़का। कितनी उम्र थी लगभग? 30-35 साल की। 30-35 साल। रोजी रोटी कैसे चलती है आप लोगों की? गाड़ी चलाता सर। गाड़ी चलाता है। एक बेटा है? हाँ। बेटा कितना बड़ा है जी? ऐसा है 14-15 साल। 14-15 साल। प्रशासन से कोई मांग है आपकी? शासन से, पुलिस से क्या चाहते हैं आप लोग? जी, हम तो न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं जी। अच्छा, आप बहुत सारे लोग, पूरा इलाका जानना चाहता है, सारे लोग जान, लड़ाई की वजह मुख्य जमीन था या फिर क्या था? हाँ जी, जमीन पर। अच्छा, वो एक बार खेत आड़ा बट गया, फिर वह नू बटाता। अच्छा, चलिए, देखिए ये गमजदा माहौल है और इसमें हम लोग ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर सकते। और ये नेहदा के आज़ाद के परिवार के जो जिनकी मौत हुई है उनके परिवार के भाई हैं, उन्होंने पूरी बात बताई है। ये प्रशासन का बड़ा अहम रोल होगा, प्रशासन खुलासा करेगा, ये परिवार न्याय मांग रहा है। लेकिन इन सब के बीच में मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत अपील करना चाहता हूँ। हम आए दिनों कुछ देख रहे हैं इलाके के अंदर जो मौतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, हादसे बहुत हो रहे हैं, कहीं दुर्घटना हो रही है। इन सब के बीच में आप सोचिए और जानिए, समझिए कि आखिरकार स्थिति कैसे संभलेगी।